गाइस, दिस इज देवा राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DSR देवा म्यूजिक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कीबोर्ड में जो ट्रांसपोज बटन होता है वो क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोज बटन के फंक्शन को और यूजेस को अच्छे से सीखने के लिए, समझने के लिए मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिए, जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसपोज बटन के फंक्शन को समझते हैं, आखिरकार ये है क्या, इस चीज को हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रांसपोज बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑन हो गया और वैल्यू 0 बता रहा है, राइट। अब इसको मैं प्लस करूंगा, ट्रांसपोज बटन के साथ में प्लस का बटन दबाऊंगा तो +6 तक वैल्यू जाएगी, राइट। अब इसको वापस 0 पे लाते हैं और अब माइनस करेंगे तो -5 तक वैल्यू जाएगी। देखिए ये -5, तो अब ये -5 और +6 है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा सी नोट। ठीक है, यहाँ से हम 12 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया हमारा एक ऑक्टेव जिसपे 12 नोट्स हैं, 12 कीज हैं। ठीक है, 12 बटन हैं, 12 स्वर है। अब इसमें से एक की को मैं हटा दूं, सी की को मैंने हटा दिया तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बचे। और यहाँ पे भी माइनस में 5 था, प्लस में 6 था, अब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 ही आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी नोट को पूरे ऑक्टेव की किसी भी की में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं ये चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे सी नोट प्ले हो रहा है, ये आपको ट्यूनर पे भी शो कर रहा होगा। अब इसको सबसे पहले मैं प्लस वाले बटन को यूज करके माइनस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्लस का बटन दबाते हैं तो माइनस होता है और माइनस वाला बटन दबाएंगे तो प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, ये चीज हमें याद रखना है। जैसे कि अभी सी यहाँ प्ले हो रहा है, अब मैं 1+ करता हूँ, 1+, तो अब ये सी हमारा उतर गया है नीचे। ठीक है, अब 2+ करते हैं तो अब सी हमारा दो नोट नीचे उतर गया है। अब और +3 करेंगे, अब +4, +5, +6। ठीक है, तो ये लास्ट +6 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सी नोट है वो +6 तक हम नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जहां पे है हम उसके नीचे से काउंट करेंगे, राइट। अभी देखिए हमने इसको +6 तक करके माइनस कर दिया है, एफ शार्प तक हम ले आए हैं, राइट। अब इसको वापस करते हैं हम 0 पे और -5 तक करके देखते हैं क्या होता है, राइट। तो देखिए सी से एफ शार्प तक तो हमने ट्रांसपोज किया, अब कितने नोट बचे, 1 2 3 4 5 5 नोट बचे हैं। अब इसमें ट्रांसपोज करने के लिए हमें सी में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सी नोट यहीं प्ले हो रहा है, ठीक है, अब -1 करते हैं तो नोट हमारा यहाँ आ जाएगा, सी नोट आ गया यहाँ पे। अब और माइनस करते हैं, 2 हो गया, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी नोट आ गया है। अब +3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, +4, +5, अब इससे ज्यादा प्लस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जब प्लस किया था +6 तक तो एफ शार्प तक हमारा सी नोट डाउन हो गया था, राइट। और जब हमने माइनस किया -5 तक तो यही सी नोट हमारा एफ नोट तक आ गया, ठीक है, एफ कीज पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे ये +6 और 1 2 3 4 5 +5, टोटल 11 कीज पे हमने सी नोट को शिफ्ट किया। अब ये तो हो गया इस ट्रांसपोज बटन का फंक्शन, वर्क के क्या वर्क करता है, राइट। अब इसका यूज क्या है, हमें इसको कहाँ पे यूज करना है, इस चीज को हम सीखते हैं। अब जैसे कि आपको कोई सा गाना प्ले करना आता है, एक प्यार का नगमा सॉन्ग आपको प्ले करना आता है डी नोट से, ठीक है, मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। राइट, ये आपको डी मेजर स्केल से प्ले करना आता है,
बट कोई सिंगर यदि इस गाने को गा रहा है और वो डी स्केल से नहीं गा पा रहा है, वो अपनी स्केल से गाएगा, जैसे कि वो ए मेजर से गाएगा यहां से, और आपको ए मेजर से प्ले करना नहीं आता, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप दिमाग लगाओगे कि ये है ए नोट और ये है डी नोट, तो क्यों ना हम इस ए नोट को ही डी नोट पे ले आए, ठीक है। जिससे कि क्या है, सिंगर भी गा लेगा उसी की स्केल में और आप भी प्ले कर लोगे उसी जगह से जहां से आपको प्ले करना आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे, ये है ए नोट, 1 2 3 4 5, कितना डिस्टेंस है, 5 की इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डाउन करेंगे, ये देखिए ए नोट अभी यहाँ पे चल रहा है, अब इसको माइनस करेंगे हम, यहाँ पे आ गया ए नोट, और माइनस करेंगे, तो अब देखिए ए नोट कहां पे बज रहा है, डी नोट के ऊपर, जहां से हमें गाना प्ले करना आता है वहीं से सिंगर की स्केल का नोट प्ले हो रहा है, ठीक है ए। तो अब हम यहां से सिंगर की स्केल को मैच करके ही गाना बजा सकते हैं, जैसे कि अब देखिए ए के बाद यहाँ पे सी शार्प आ गया, मतलब पूरे 12 नोट हैं, वो पूरे 12 नोट शिफ्ट हो गए, ठीक है, इस एक नोट पे जहां से आपको गाना प्ले करना आता है, राइट। और अब जैसे कि इसको फिर से हम कर देते हैं 0 पे, अब जैसे कि आपको कोई सा गाना है, या फिर आप मान लो हीरो सॉन्ग का ट्यून फ्लूट म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बट ये हमें यहां से नहीं प्ले करना, मैं जी शार्प से प्ले कर रहा हूं, मुझे जी शार्प से प्ले नहीं करना क्योंकि सिंगर है वो सी शार्प से गा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सी शार्प को इस नोट पे लेकर आऊंगा, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, बीच के जो नोट है ना उनको काउंट करना पड़ेगा, देखिए ये है सी शार्प, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7 नोट, ठीक है। तो -5 में तो हम 7 जा नहीं पाएंगे क्योंकि -5 से नीचे जाता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ पे 5 नंबर पे ये नोट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डायरेक्ट 5 तक प्लस कर देंगे, देखिए अभी ये सी शार्प यहाँ प्ले हो रहा है, इसको हमें लेके आना है जी शार्प पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 5 तक, +1 यहां पे आ गया, +2 इधर आ गया, +3 इधर आ गया, +4 इधर आ गया, +5 ये देखो यहां पे सी शार्प आ गया, राइट। तो अब इजीली आप सिंगर की स्केल पे ही ये फ्लूट म्यूजिक प्ले कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी ट्रांसपोज बटन को यूज करके आपको भले ही कोई सा गाना पूरी 12 स्केल से नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इस ट्रांसपोज बटन का यूज करके किसी भी गाने को पूरी 12 स्केल से प्ले कर सकते हो जहां से सिंगर को गाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रांसपोज बटन का फंक्शन आपको कैसा लगा, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।